नमस्ते प्रिय दोस्तों, अकाउंटिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के अकाउंटिंग पॉडकास्ट में मैं आपको अकाउंटिंग में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के विषय में कुछ बताऊंगा। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को हिंदी में वित्तीय संकट कहते हैं। वित्तीय संकट या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब यह होता है कि कंपनी के पास अपने देनदारों को देने के लिए धन ना होना। मतलब अगर आप एक कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तथा अगर कंपनी की एसेट्स 20 रुपए की हैं, उसकी देनदारी जो क्रेडिटर्स को देनी है वो 100 रुपए की है, तो कंपनी के पास 80 रुपए नहीं है कि वह अपने क्रेडिटर्स को दे सके। तो कंपनी की इस स्थिति को हम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कहते हैं, यानी कंपनी के लिए एक वित्तीय संकट। आपने सुना होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका में आर्थिक संकट था, यानी अमेरिका के पास धन की कमी थी। अभी 1990-91 में भी अमेरिका आर्थिक संकट से गुजरा, यानी अमेरिका के पास जो साधन थे वह उसकी जो टोटल देनदारी है उससे कम थे। पर यदि हम किसी कंपनी या व्यक्ति विशेष की बात करें तो इसका नतीजा यही निकलता है कि वह कंपनी समाप्त हो जाती है, अर्थात उसकी बाजार में बिक्री लगती है तथा उसकी संपत्तियां बेचकर जिन लोगों ने उस कंपनी को कर्जा दिया था उसकी पेमेंट की जाती है। तथा अगर कंपनी यह चाहती है कि इस वित्तीय संकट से उभरा जाए तो कंपनी जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं उनकी एक मीटिंग करती है तथा उनको समझाने की कोशिश करती है कि यह कर्जा कुछ समय बाद लिया जाए या कम कर दिया जाए या उसमें किसी तरह का भी संशोधन किया जाए ताकि कंपनी इस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बच सके। मुझे उम्मीद है कि आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब, उसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।